पापा को पता नहीं लगना चाहिए हमारे विषय में। आप बताओ जॉइन नहीं आई है क्या? टिन में से नहीं निकल पा रहा है। अरे फैक्ट्री में इसके ऊपर ताकि जल्दी ठंडा हो। गाइस तो मैंने ये किया है। मुझे तो होगी खुशी। ठीक है, मैंने उत्साहित होके ये फोड़ा था, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, चमकीली। कल है नोडी के पापा का बर्थडे और उनके लिए हम मेक कर रहे हैं सरप्राइज प्लान। अभी हमने थोड़े फ्लावर्स खरीदे हैं, अब हम जा रहे हैं बलून और डेकोरेशन लेने और देखते हैं। रोज भी खरीदा है भाई हमने। और देखते हैं कि हम ये सरप्राइज सक्सेसफुली पूरा कर पाएंगे या नहीं। नहीं तो नोडी के पापा की आदत तो ऐसी ही है। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, है ना? इसलिए पापा को पता नहीं लगना चाहिए हमारे विषय में। हम बोल कर आए हैं कि हम स्कूल प्रोजेक्ट का सामान लेने आए हैं। कुंडी मान लो आप जेल में हो, आप अंदर से कुंडी लगाओ, ठीक है? ये तो सही चीज है यार, बिल्कुल सही चीज है। बाहर निकल जाएगी और निकल जाएगा, हो जाएगा। चलो आज हम आए गिफ्ट में है चिट्ठी अटैच। नोडी ने अपने पापा के लिए पापा से पूछा कि क्या दे आपको गिफ्ट में, तो उन्होंने बोला प्यार। तो नोडी सोच रहा है पापा को गिफ्ट में किससे अटैक देने की। चलो ठीक है, अब नोडी हमें शॉपिंग भी तो कर ली, लेट हो जाएंगी नहीं, है ना? हाँ चलो बाय बाय। हमने देखा था हम शॉपिंग करके फ्लावर और रोज लेके जाते ना, मगर नहीं हमने और ज्यादा सामान खरीदा। फोन डरवाने को मतलब हमने डेकोरेशन का सारा सामान कपड़े खरीदे हैं और डेकोरेशन खरीदा है। अब हम जा रहे हैं घर। हम आ चुके हैं घर सारा सामान लेके और मैं करूँगी डेकोरेशन। नहीं कुछ नहीं सुना ऐसे ही, पापा होशियार बन गए। हम लोग आए हैं सामान लेके और मैं खुद 90% अपने दिमाग से डेकोरेशन करूँगी, 10% नॉडी करेगा। आपको पता होगा कि मैं थोड़ी आर्ट एंड क्राफ्ट में कच्ची हूँ, है ना? कैसी हूँ? कच्ची हूँ। वो तो मैं भी हूँ। तू तो पक्का है भाई, तू कर लेता है काम। तो देखते हैं मैं कैसे डेकोरेशन कर पाती हूँ, ठीक है? मैं मम्मी को बताऊंगा क्या स्टे ट्यून विद अस ये देखने के लिए नोड़ी की मम्मी ने नोड़ी के पापा के लिए कैसे कैसे करी डेकोरेशन। तो गाइस आप बताओ जॉइन लाइन आई है क्या? गाइस नोड़ी ने इतने बैलून फुला लिए अपने मुंह से कि उसे लग रहा है कि उसकी जॉइन लाइन आ गई है। कृपया उसकी गलतफहमी को दूर करो। देखो आगे तो देखिए मेरा वीगन केक बनके हो गया है रेडी और इस पे जो है ये सब ऑलमंड्स है और खुशबू तो देखो अच्छी आ रही है। बाकी बनने के बाद पता पड़ेगा, नहीं बन तो चुका है, खाने के बाद पता पड़ेगा कि कैसा बना है। वैसे तो आपको दिख रहा होगा क्रैक्स वगैरह आए हैं, अच्छा सा फूला है, देखते हैं। चलो देखिए दोस्तों मेरा केक निकल नहीं रहा है, इसमें से एक गंभीर समस्या आन पड़ी है। यहाँ पे देखो केक है जो हालांकि बहुत गर्म है अभी, वो टिन में से नहीं निकल पा रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं निकल पाएगा या नहीं। बर्फ रखी है इसके ऊपर ताकि जल्दी ठंडा हो जाए।
भगवानी क्या हो गया। देख फ्रीजर में रख के कुछ होता है। दोस्तों केक को फ्रिज में रखने के बाद और बहुत सारे प्रार्थना करने के बाद मेरा केक फाइनली मोल्ड से बाहर आ चुका है, थोड़ा सा पैक हो गया है, गेट पर तो चलता है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस डेकोरेशन। लॉडी आज सोया नहीं था दिन में, तो वो बेचारा बच्चा आदत उसकी बस्त हो गई है, सो चुका है। अब लॉडी की मम्मी के ऊपर सारा भार है, मुझे नीले गिरना देखिए मैं कैसे करती हूँ। तो मैंने ये किया है तैयार, थोड़ा सा रहता है इसका। हैप्पी बर्थडे नॉडी के पापा। नॉडी बोलो पापा को हैप्पी बर्थडे। पापा को हैप्पी बर्थडे बोलते। वाह क्या बात है, दिल बिल तो दिखने लगा लेकिन लाइट कर बंद करके दिखाते ज्यादा अच्छा दिखता है। लाइट बंद कर सरप्राइज की करी है काफ़ी अच्छी मेहनत, तो मेहनत पसंद आई मेरे को, तो उनको मिलते हैं पूरे 100 में से 110 नंबर। धन्यवाद आपका। मुझे लगता है मेरी डेकोरेशन और मेरे पति की डेकोरेशन में एडिडास और एपी बास वाला अंतर रहता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे को जो कपड़े मिले हैं वो बिल्कुल फिट आए हैं, तो कल मैं ऑफिस पहन के भी उसी में से कोई एक पेयर पहन के जाऊंगा। तो अब हो गई है रात बहुत ज़्यादा, चलते हैं सोते हैं, फिर कल जन्मदिन बन गया जन्मदिन बस। रात
हेलो गाइस, जो मैं प्यार का तोहफा लाई थी मेरे पति ने पहन लिया है। देखो देख रहे हो क्या नाप लिया है मैंने, एकदम आई हैव फिट। और अभी हीरो बन के जा रहे हैं ऑफिस, जाओ बिजलियां गिराने जा रहे हैं ऑफिस। हमें क्या पता, ये बात ना हमें क्या पता। फिर मैं तो कह रही थी, मैंने पूछा आज की कोई प्रोग्राम है, तो बोले नहीं कहाँ जाएंगे। तो मैंने सोचा कहीं किसी को कोई वायदा तो नहीं दे आए हो, हाँ कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। देख रहे हैं आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही समय बिता रहे हैं, ऑफिस के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, तो मेरे दिमाग में भी शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं कि ऐसा क्यों। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही होते सब कोई। इस मामले में थोड़ा इनका लग थोड़ा हार्ड है। इनके ऑफिस में ना कोई सारे है ना मित्र हैं, मित्र लड़के हैं, कोई भी मित्र महिला मित्र नहीं है। इस बात का है ना इनको काफी अफसोस भी अंदर ही अंदर। सच बात बताऊं लेकिन नौड़ी के मम्मी को बहुत खुशी है। मुझे तो होगी खुशी, मगर नौड़ी के बाबा को अंदर ही अंदर ये चीज खाए जा रही है कि मैं ऐसी जगह नौकरी करने जाऊं जहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लैमर हो, मेरा मन लगे। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर वहाँ मन नहीं लगता तो भी देर से आते हैं, और भगवान अगर मन लग गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे काम होता है ऑफिस। चमकीली चमकीली हो रही है, ऐसा लग रहा है आसमान से तारे गिरे। तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो वीडियो को यही करते हैं खत्म। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। बोले हैप्पी बर्थडे जीजा जी, हैप्पी बर्थडे भैया जी, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों।